साउथ सिनेमा आज की तारीख में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, लेकिन यह हमेशा नहीं देखने को मिला। आज भारतीय इंडस्ट्री के मायने बदल गए हैं। जिन साउथ फिल्मों का हिंदी रीमेक बनता है वो ओरिजिनल के मुकाबले कुछ भी नहीं कमा पाती है। ओरिजिनल को जो रिस्पांस आज मिल रहा है वो खूब रोमांचित करने वाला है। साउथ सिनेमा के बढ़ते नाम को लेकर सुपरस्टार यश ने अपना रिएक्शन दिया है। सुपरस्टार यश ने हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्वेल्क में कहा, 10 सालों से हमारी डब फिल्में यहाँ नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें देखा जाता था वो नजरिया अलग था। लोग साउथ की फिल्मों का मजाक उड़ाते थे। हमारी फिल्मों के साथ दिक्कत यही थी कि वो बेहद कम कीमत पर बेची जाती थी, उनकी बुरी डबिंग होती और फिर मजाकिया नामों के साथ प्रेजेंट किया जाता। यश ने साथ ही कहा, अब लोग साउथ फिल्मों को समझ रहे हैं और इसका पूरा क्रेडिट SS राजामौली को जाता है, उनकी वजह से बदलाव आए हैं। यश ने कहा, लोग हमारी अब डब फिल्मों से फेमिलियर हुए हैं। अगर आपको पहाड़ तोड़ना है तो उसके लिए लगातार काम करना होगा। बाहुबली ने यहाँ वो काम किया, KGF को एक अलग विचार के साथ किया। KGF लोगों को प्रेरित करने के लिए बनी, हमने बहुत थोड़े बजट से शुरुआत की थी, अब लोगों ने साउथ फिल्मों को समझना शुरू किया है और यह टाइम बढ़िया है। बता दें कि साल 2022 में साउथ सिनेमा ने बैक टू बैक सुपरहिट दिए, फिर चाहे वो SS राजामौली की RRR हो या फिर साउथ सुपरस्टार यश की KGF 2। फिलहाल यश के रिएक्शन पे आपका क्या कहना है ये हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल बोल बच्चन मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।